कंटेनर विथ मोस्ट वाटर भाई बहुत ही सही क्वेश्चन है यार ये तो है ना इसमें मजा ही आ जाने वाला है सो so, क्या करना है इस क्वेश्चन में अपने को अपने को आ, एक आरे मिला रहेगा ना एक आरे मिला रहेगा ऑफ हाइट्स सो जैसे इस वाले क्वेश्चन में, में जो मैंने लिया है यहां पर कुछ ऐसे आ मिला रहेगा जो पहला है उसकी हाइट है सिक्स देन फोर देन टू देन फाइव फोर सिक्स वन थ्री एंड फाइव तो कुछ ऐसा मिला हुआ सपोज करो हमको है ना तो इन मतलब जो है, होना चाहिए, है? अच्छा सो तो कैसे कर रहे होंगे तो कैसे मतलब क्या मतलब इस क्वेश्चन क्या कंटेनर मतलब क्या पानी होनी? क्या मतलब क्या स्टोर करना है कैसे मैक्सिमम वाटर कैसे स्टोर करना है दो कंटेनर की दो आई मीन पिलर लेके देख लेते हैं सो सपोज करो हमने ये ले लिया एक कोई सा भी ले लिया एक ये ले लिया ठीक है सो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है कितना डिफरेंस है एक दो तीन चार चार यूनिट का डिफरेंस है यहां पे है ना पेन दूसरा ले अच्छा अगर हमने ये वाला लिया तो इसकी हाइट क्या है फोर ठीक है और ये वाला लिया तो इसकी हाइट है सिक्स ठीक है अच्छा इसकी हाइट है सिक्स इसकी हाइट है फोर अगर अब हम इसके अंदर है ना अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो भर पाएगा ना इसके ऊपर तो तो हमें, एरिया, एरिया है, है हमें कोई भी दो ऐसे चूज करने हैं और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा है ना कितना होगा तो इस केस में क्या एरिया होगा मिनिमम ऑफ बोध बोध दिस हाइट तो चार और छह में से मिनिमम क्या है फोर अच्छा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है है ना यूनिट यूनिट का so 4 4 is what? 16 unit square का सो क्रॉस इज स्क्वायर पे हमको वाटर मिल जाएगा ठीक है तो कुछ ये क्वेश्चन है है ना तो अभी तो मैंने ये दोनों चूज करके यहां से सिक्सटीन निकाल दिया हो सकता है इससे ज्यादा भी पॉसिबल हो तो इससे ज्यादा क्या पॉसिबल होगा कैसे पॉसिबल होगा देखते हैं तो पहले इसको रब करते हैं और सोचते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओके सो so, यार सबसे पहले अप्रोच जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती है ना वो ये आती है कि यार हमको कुछ सपोज करो ये एन हाइट्स दे रखी हैं इनमें से हमको दो सेलेक्ट करनी है जिसका मैक्सिमम वाटर हो अब हमें कोई मैजिक तो आता नहीं है कि हमें क्या पता कौन सा हम तो सारी ही कैलकुलेट करके देखेंगे ना कि भाई अगर मैंने अगर मैंने सपोज करो कि आ, इस वाले को चूज करा और इस वाले को चूज करा तो क्या वाटर स्टोर होगा मैंने इस वाले को यूज करा और इस वाले को यूज करा तो क्या वाटर स्टोर होगा मैंने इसको 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 यूज तो यूज 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 करा 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 तो 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 क्या क्या होगा होगा तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज देख लेनी चाहिए सबसे पहला तरीका तो यही आता है ना स्टूडेंट के माइंड में तो सारी पॉसिबिलिटीज हम कैसे देखेंगे यार एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे यहां पर और नेक्स्ट uh, पॉइंटर जो है इससे आगे फिक्स कर देंगे है ना अब वन और टू मतलब एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला कंटेनर हो गया एक ये वाला, I mean, एक ये वाला आई मीन एक हाइट हो गई हाइट इससे वाटर निकालेंगे है ना इसके बाद क्या करेंगे अच्छा इससे निकाल लिया हमने फिर एक ग्रीन वाला पॉइंट आगे बढ़ा देंगे है ना फिर इस वाले इस वाले हाइट और इस वाले हाइट से वाटर निकालेंगे है ना सबसे एक मैक्सिमम स्टोर करके रख लेंगे भाई इससे कितना आया मुझे बता दे सपोज करो एक्स यूनिट स्क्वायर आया एक्स यूनिट स्क्वायर आया सो so, वो मैंने स्टोर करके रख लिया अगर मेरे को अब इससे ज्यादा मिला तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा वरना ये तो मेरे पास रह गई तो यहाँ पे हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे है ना सो so, ठीक है मैंने फिर ग्रीन वाले को बढ़ाना है इन दोनों को चेक करना है कि इस वाली हाइट से और इस वाली हाइट से कितना वाटर बना सकता हूं मैं फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस वाली हाइट से इस वाली हाइट से कितना बढ़ा सकता हूं और ऐसे ही ग्रीन वाले को बढ़ा जाऊंगा जब ये काम हो चुका होगा तब मैं इसे रेड वाले को बढ़ाऊंगा और फिर ग्रीन वाले को इसे आगे फिक्स करके फिर सारे पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा फिर इसको यहां रखूंगा और इससे सारी पॉसिबिलिटी चेक तो आप देख रहे हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके तरीके से से हम क्या कर रहे हैं सारी ही पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं सारे ही कंटेनर सारे ही पॉसिबल कंटेनर जो हो सकते हैं हम वो सारे ही बना के देख रहे हैं और सभी से एक हाइट सबसे एक एरिया कह सकते हो ऑफ वाटर का निकाल रहे हैं और जो भी हमको मिलेगा उसको यहां पे स्टोर कर रहे हैं तो ये बेसिक तरीका है इसमें आप दो फोर लूप लगाओगे और o f n स्क्वायर में अपना काम कर दिखाओगे है ना बट ये वाली प्रॉब्लम n स्क्वायर में सॉल्व करना आसान है है ना ये वाला तरीका आसान है आप कर लोगे मैं आपको तरीका दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली एक्सेप्ट यही होगा ओ एन में कैसे सॉल्व करेंगे ना 2.3 यूज करके हम इसको ओ एन में कैसे सॉल्व करेंगे तो रब करता हूं और वो तरीका दिखाता हूं आपको ओके okay. सो so, रब करते हैं इसको ओ एन में कैसे सॉल्व करेंगे तो मतलब जब मैं सॉल्व करता था कर रहा था सबसे पहले इसको तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई थी है ना ओ एन में इसको समझने में विजुलाइज करने में ओ एन में कैसे हो पा रहा है तो मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर आसानी क्वेश्चन है न? पर मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए कि ओ एन में कैसे वर्क कर रहा है हम कैसे काफी सारे पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर सकते हैं इसमें है ना तो टू पॉइंटर रखेंगे है ना मैंने क्योंकि उस टाइम पे बहुत वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे मेरे को उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया अभी का मुझे नहीं पता तो अभी देखते हैं मैं ट्राई करता हूं समझाने की आपको है ना चलो सो so यार ये मैंने ना दो टू पॉइंटर रख लिया है ना एक लेफ्ट में और एक राइट right में अब मैंने लेफ्ट वाले से हाइट पूछी भाई तेरी हाइट क्या है लेफ्ट वाले से हाइट पूछी मैं, पहले हम क्या कर रहे थे सारी पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे है है ना अब देखना तो magic देखना मैजिक लेफ्ट वाले ने बोला भाई मेरी हाइट सबसे पहले इन दोनों इन दोनों कंटेनर का इन दोनों हाइट से क्या वाटर स्टोर होगा हम अपने पास रख लेते हैं सो so, वैसे शायद मैक्सिमम इसी से ही होगा पर जो भी है अभी रख लेते हैं तो मैक्सिमम मतलब अभी क्या वाटर स्टोर होगा इधर भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस है एक दो मतलब इंडेक्स माइनस करके देख लो तो नाइन माइनस वन इज वॉट एट है ना ये तो इनकी यहां से ये लेंथ हो गई और मिनिमम हाइट क्या होगी छ और पांच का मिनिमम क्या होता है पांच तो यहीं तक वाटर स्टोर हो पाएगा है ना यहीं तक हो पाएगा सो फोर्टी यूनिट स्क्वायर है ना फोर्टी यूनिट स्क्वायर जो है इसमें वाटर का एरिया हमें मिल रहा है ठीक है अब देखो मैं क्या कह पा रहा हूं यहां से यहां से समझने वाली चीज है अब मैं ना ये ग्रीन वाला पॉइंटर पॉइंटर आगे आगे दूंगा दूंगा ग्रीन वाला आगे दूंगा। और बोलूंगा कि आ, मैंने तेरा बेस्ट देख लिया अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं देखो यही चीज मुझे समझ में नहीं आई थी उस टाइम जो मैं आपको समझाने पा रहा हूं मैंने क्यों इसके पॉसिबिलिटीज इग्नोर जो भी छोटा होगा ना अभी पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा ना पहले वट देखते हैं फिर वाई देखेंगे अच्छा सो इन दोनों में से इन दोनों में से जो भी छोटी हाइट का पॉइंटर होगा ना उसको हम आगे खिसका देंगे मतलब आ, लेफ्ट पॉइंटर होगा तो आगे खिसका देंगे राइट पॉइंटर होगा तो पीछे ले जाएंगे ठीक है करेंगे क्यों करेंगे देखो इस इस की की हाइट हाइट है 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 ना वाले है हमने इसका एरिया निकाल दिया फोर्टी यूनिट स्क्वायर ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं इसकी हाइट छोटी है इसकी हाइट छोटी है तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा मुझे इससे बेटर आंसर नहीं मिल सकता इस वाली हाइट को यूज करके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सपोज करो मैं इसको आगे नहीं बढ़ाता इसको बढ़ा देता तो क्या ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यार ये हाइट है इसकी हाइट है फाइव आगे हो सकता है आगे हो सकता है मेरे को मिल जाए मुझे मिल जाए सपोज करो तीन ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मेरे को सपोज करो मिल जाए इससे बड़ी हाइट का अभी फाइव है मेरे को सेवन हाइट का मिल जाएगा बट क्या मेरे को इससे बेटर आंसर मिल पाएगा फोर्टी यूनिट स्क्वायर से नहीं मिल पाएगा क्यों नहीं मिल पाएगा ये देखो ये समझने वाली बात है चाहे इसकी हाइट सेवन यूनिट भले ही क्यों ना हो जाए बट मैं मैक्सिमम तो इतना ही वाटर स्टोर कर पाऊंगा जितनी इसकी हाइट है समझ पा रहे हो तो हाइट तो हम यही यूज करने वाले हैं हाइट तो हम यही यूज करने वाले हैं अगर ये ज्यादा हुआ तो, तो अगर हाइट ही ये यूज करने वाले हैं तो हाइट तो अभी भी फाइव रहने वाली है बट अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो गया नाइन माइनस टू नाइन माइनस टू इज वॉट सेवन सेवन इंटू फाइव इज वॉट थर्टी फाइव तो पहले से आंसर कम मिला तो हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है यार अगर हमने एक तो पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा यार मिल जाए तेरे को तू क्यों इग्नोर कर रहा है इसको तो ज्यादा वाला केस देख लिया हमने अगर ज्यादा भी मिल गया तो भी हमें बेकार आंसर मिलेगा क्यों क्योंकि हाइट तो हम पुरानी वाली यूज करेंगे ना अब एक पॉसिबिलिटी हो रहा है यार हो सकता है कि मेरे को इससे कम वाला मिल जाए मेरे को टू यूनिट वाला मिल जाए तो टू, टू यूनिट वाला, तो तो वाला है सो टू इंटू सेवन इज वॉट फोर्टीन यूनिट स्क्वायर हम आ, एरिया बना रहे होंगे तो यह भी बेकार केस थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई मेरे को मेरे जितनी हाइट का ही मिल जाए सो so, अगर मेरे को मेरे ही जितनी हाइट का मिल गया तो क्या आंसर बना रहे होंगे हम

और आगे चेक करने का कोई फायदा है नहीं इसको रब कर देते हैं, है ना? ओके, सो आपने देखा मैंने क्या काम एरिया निकाल दिया अब एरिया निकालने के बाद मेरा यहां पे 40 यूनिट स्क्वायर आने के बाद मैं क्या कह पा रहा हूं मैं यह कह पा रहा हूं कि यार इस वाली हाइट को यूज करके इस वाली हाइट को यूज करके मेरे को बेस्ट एरिया मिल गया है अभी तक का है ना इस वाली हाइट को यूज करके मेरे को बेस्ट एरिया मिल चुका है जो ये अब ये वाला है ना ये वाला एरिया अब चाहे तुम अगर इसके अलावा किसी और के साथ बनाने की कोशिश करोगे तुम इसके साथ बना सकते हो इसके साथ बना सकते हो इसके साथ बना सकते हो इसके साथ एरिया बना सकते हो इसके साथ एरिया बना सकते हो इसके साथ इसके साथ मेरे को पक्का शौर है कि वो 40 यूनिट स्क्वायर से कम ही आएगा तो जब ये 40 यूनिट स्क्वायर से कम ही आएगा ना तो मैं ये वाले केसेस को चेक ही नहीं करूंगा इनको इग्नोर कर दूंगा यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये वाले पॉसिबिलिटीज को हम चेक नहीं करेंगे तो हम एन स्क्वायर से एन स्क्वायर से ऑफ एन में ले जाएंगे इस प्रॉब्लम को क्यों ले जा पाएंगे मैंने आपको अच्छा समझा दिया क्योंकि तीन ही पॉसिबल केस होंगे या तो इस वाली हाइट से हमको बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा या बराबर मिलेगा तीनों ही केसेस में इस हाइट से ज्यादा तो हम हाइट यूज कर नहीं पाएंगे और लेंथ जो है वो कम हो ही रही होंगी तो जब लेंथ कम ही हो रही है और इससे ज्यादा हम हाइट यूज कर ही नहीं पाएंगे तो हमें इससे अच्छा आंसर तो मिलेगा ही नहीं तो सिंस अगर आंसर नहीं मिलेगा तो तुमने चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो ये वाले केसेस को चेक करने की जरूरत नहीं है और यही इंपॉर्टेंट आई होप मैंने बहुत टाइम लगा के आपको समझा दिया अब आप समझ पा रहे हो तो अब देखते हैं हम इसको है ना इसको और दोबारा से रब कर देते हैं आई होप आप समझ में समझ चुके हो ना कि ये वाले केसेस को हम चेक ही नहीं करेंगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना चलो तो रख कर देते हैं चलो सो इससे हमें कुछ एरिया मिल जाएगा सो so, 40 मिला इससे अच्छा यहाँ पे मैक्स में हमने 40 रख लिया सो so, अब मेरे को पता चल गया मुझे आंसर मिल गया तो मिनिमम हाइट कौन सी है इसकी तो अब मैं इसको बढ़ा दूंगा अब ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है अच्छा अभी क्या मैं बना पा रहा हूं अभी इसकी हाइट है थ्री तो क्रॉस तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है एट माइनस वन सेवन सो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यूनिट स्क्वायर है इससे बेटर नहीं है तो हमें आंसर नहीं मिलेगा है ना आंसर नहीं मिलेगा यही पुराना वाला बढ़िया चल रहा है तो हाइट इन दोनों में से कम किसकी है इसकी है तो इसको बढ़ा देंगे फिर उसके बाद तुम यही करे जाओगे तो तुम ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटी देखे जाओगे एक बार इसको बढ़ाओगे या इसको बढ़ाओगे डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम हाइट ठीक है और फिर जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तब तुम रुक जाओगे ठीक है तो तुम मैक्सिमम आंसर निकाल पाओगे तो यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था आपको काफी सारे केसेस को इग्नोर करना है और किस बेसिस पे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है चलो उसका कोड देखते हैं आप जल्दी से ओके okay, सो so ये रहा इसका सिंपल सा बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कोड है ना स्क्वायर वाला कोड नहीं दिखाया मैंने ओ एन वाला दिखाया ना एन स्क्वायर वाला तो कर लोगे दो फोर रूप लगा के उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं तो हमने लेफ्ट पॉइंटर फिक्स करा जीरो पे राइट पॉइंटर फिक्स करा लास्ट इंडेक्स पे और मैक्सिमम एरिया भी अज्यूम कर लिया जीरो है, है ना जीरो से कम तो क्या ही होगा नेगेटिव एरिया तो होता नहीं है तो लेफ्ट पॉइंटर जब तक राइट right पॉइंटर से छोटा है तब तक हम काम करे जाएंगे क्या काम करेंगे लेफ्ट पॉइंटर की हाइट निकाल लेंगे राइट right पॉइंटर की हाइट निकाल लेंगे और मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे भाई मिनिमम हाइट कितनी है ये ये बता क्योंकि मिनिमम हाइट तो हमारी एक्चुअल हाइट होगी जिस जहां तक वाटर स्टोर होगा अब यहां से हमने हाइट निकाल ली अब यहां से लेंथ लेंथ uh, निकाल लेंगे तो लेंथ हमने यहां निकाल दी राइट माइनस राइट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे है माइनस लेफ्ट पॉइंटर तो ये हमारी लेंथ है और जब हाइट को लेंथ से इंटू करेंगे तो यहां पे हमारा एरिया आ जाएगा है ना और इसको मैक्सिमम जाएंगे हम कंपेयर तो कर तो मैं साफ साफ करके यहां पे दिखा देता हूं आपको सो so, एक सेकंड होल्ड करो ओके okay. सो so, कुछ ऐसा हो रहा है, है ना कुछ ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है हमने हाइट निकाल ली हाइट निकाल ली और ये लेंथ निकाल ली है ना और फिर उसके बाद करंट एरिया निकाल दिया हाइट और लेंथ का अब चेक करते रहेंगे अगर मैक्सिमम वाले से ज्यादा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे वरना मैक्सिमम का मैक्सिमम रहने देंगे अब यहां देखो हम क्या कह रहे हैं अगर लेफ्ट की हाइट छोटी है तो लेफ्ट को बढ़ा दो वरना राइट की हाइट छोटी है तो राइट को कम कर दो है ना तो क्यों कम कर पा रहे हैं हम ये आपको ये अच्छे से पता है है ना क्योंकि बेस्ट आंसर उसने दे दिया अब आगे आंसर मिलेगा उससे जो बेस्ट आंसर हो सकता था वो उसने हमें दे दिया है तो ये काम हम ओ एन में एक बार लूप लगा के एक बार एक हाइट पे जाएंगे और अपना हाँ काम कर दिखाएंगे और लास्ट में स्वाइल लूप से बाहर आके मैक्स वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे तो सिंपल सा कोड था आई होप आपको समझ में आ गई होगी अप्रोच और मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा ये अप्रोच वर्क क्यों कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो so, ठीक है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग